लेकिन लोगों में दहशत अभी भी नजर आ रही है और यातायात एक बार फिर से सुचारू हो चुका है। और चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, तो मौजूदा सरकार के एक साल के कार्यकाल में सीएम अशोक गहलोत ने अगर किसी विभाग पर सबसे अधिक भरोसा किया है, फोकस किया है, तो वो है गृह विभाग। इस विभाग में क्या क्या नवाचार किए गए हैं, इसी को लेकर देखिए गृह विभाग की एक खास रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत लगातार सुशासन और पारदर्शी सरकार पर जोर देते हैं और अच्छी कानून व्यवस्था के बिना ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि गृह विभाग पर सीएम का सबसे ज्यादा फोकस है। सरकार के शुरुआती दिनों में थानागाजी समेत कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा, लेकिन सीएम की लगातार मॉनिटरिंग और निर्देशों के चलते फिलहाल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफी हद तक ठीक है। इसके लिए सरकार ने इस एक साल में कई अहम फैसले लिए हैं। पुलिस की खराब छवि को बदलने पर सबसे ज्यादा फोकस। प्रदेश के सभी थानों में हर हाल में एफआईआर दर्ज करना किया जरूरी। प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाने का किया काम। हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को मुकदमों में जांच का अधिकार, एसपी को अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही का अधिकार। प्रदेश में 5000 कांस्टेबल्स की भर्ती। आने वाले दिनों में पुलिस में हो सकती है कई और भर्तियां। एसीबी में सभी डिप्टी एसपी और एएसपी के रिक्त पद भरने का काम। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति के चलते एसीबी को फ्री हैंड। बीते एक साल में एसीबी ने प्रदेश भर में की रिकॉर्ड कार्रवाई। अपराध पर लगाम लगाने के लिए मॉनिटरिंग काफी जरूरी है, लेकिन इससे पहले पुलिस अधिकारियों को भी अपने कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। सीएम की संवेदनशीलता के बावजूद जिस तरह से प्रदेश में अपराध की संख्या है, उसे देखते हुए गृह विभाग को 100 में से 80% मार्क्स ही दिए जा सकते हैं, जबकि सीएम गहलोत की मंशा है कि प्रदेश भर में पुलिस को लेकर लोगों की सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की छवि आमजन के बीच नेगेटिव ही है। इसी के चलते एक साल के दौरान गृह विभाग में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिनकी लंबे समय से जरूरत थी। वहीं सीएम की अगुवाई में एसीएस होम राजीव स्वरूप की लगातार कोशिश यही है कि पुलिस को हर तरह से मजबूत किया जा सके और फ्रेंडली बनाया जा सके। अब देखना होगा कि गृह विभाग आने वाले एक साल में और क्या कुछ नवाचार करता है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।